हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति का पथ आनंद से भरा हुआ है, आनंदमय और चिन्मय। और जब हम इस आनंदमय मार्ग से भटक जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से इस धरातल पर प्रकट होते हैं और दिव्य मनोहर लीलाएं करके हमारे हृदय को जीत लेते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है कृष्ण, अर्थात सर्वाकर्षक, जो अनेक सुंदर गुणों से, दिव्य नामों से व दिव्य मधुर लीलाओं से हमारे हृदय पर आधिपत्य कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी अहेतुकी कृपा के कारण भगवान हमारा मन इस संसार से हटाकर उनके चरणों में केंद्रित करना चाहते हैं। भगवान की इसी अहेतुकी कृपा को दर्शाता एक ऐसा ही अद्भुत उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव सदियों पुराना है। कुछ वर्षों पहले तक जगन्नाथ रथ यात्रा अधिकांशतः उड़ीसा, बंगाल तथा इनके आसपास के राज्यों के निवासी ही मनाया करते थे, परंतु वर्तमान में इस्कॉन के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भक्तिमय अलख के कारण यह एक विश्वव्यापी उत्सव बन चुका है। संपूर्ण भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दर्शाती है कि आध्यात्मिक प्रेम एवं भक्ति क्या है। जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ के रूप की कथा रोचक है, उसी प्रकार उनकी रथ यात्रा का प्रसंग भी अत्यंत मनोरम है। वैसे तो अनेक मंदिरों में शोभा यात्रा के दौरान श्री मूर्तियां मंदिर से बाहर आती हैं, परंतु जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनका उद्देश्य सर्वथा भिन्न होता है। वे इतने दयालु और पतित पावन हैं कि जिनके मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण कठोर हो चुके हैं या किसी अन्य कारण से वे मंदिर आकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, उन सब का कल्याण करने हेतु जगत के नाथ जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आकर सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। इनकी करुणा और भक्त वत्सलता का पार कहाँ। श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के अनेक वर्षों पश्चात गोपियां कुरुक्षेत्र में पुनः उनसे मिलती हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूर दराज से अनेकानेक लोग कुरुक्षेत्र में जमा हुए थे। श्री कृष्ण से मिलते ही गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के संग की तीव्र उत्कंठा जाग उठी, किंतु वे श्री कृष्ण का संग कुरुक्षेत्र में नहीं वरन वृंदावन के कुंजों में करना चाहती थीं। उन्होंने मन ही मन एक रथ का निर्माण किया और उसे घोड़ों से नहीं अपितु अपने हृदय के प्रेम एवं हाथों के परिश्रम से खींचने लगी। रथयात्रा में गोपियों का वही उत्कट प्रेम रचा बसा हुआ है। रथयात्रा का आरंभिक बिंदु कुरुक्षेत्र का तथा गंतव्य स्थान वृंदावन का प्रतीक है। भगवान का रथ खींचते समय हम गोपियों के प्रेम परिश्रम में उनकी सहायता करते हैं। भक्ति से ओतप्रोत गोपियों की सहायता करके हम स्वयं अपने हृदयों में भक्ति की प्रगाढ़ता का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक श्री जगन्नाथ के रथ को खींचकर हम न केवल उन्हें वृंदावन ले जाते हैं, अपितु पुनः अपने हृदय में भी आमंत्रित करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में समूचे ब्रह्मांड के स्वामी आषाढ़ माह की द्वितीया को अपने मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर की यात्रा करते हैं, जहां मार्ग में हजारों लोगों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए व रथ खींचने के लिए एकत्रित होती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की अपने अग्रज बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ पूजा होती है। तीनों भाई बहन अपने अपने रथ पर अत्यंत ही ठाट बाट से वहां जाते हैं, जिसकी शुरुआत शंख, तुरही, ढोल और नगाड़े से होती है। तीनों रथों के विभिन्न प्रतीक और संकेत देखकर तीर्थयात्री प्रत्येक रथ को पहचान लेते हैं। जगन्नाथ जी का रथ लाल और पीले रंग का होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, जिसके देवता श्री नरसिम्हा हैं, और इस रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज भी कहते हैं। बलदेव जी का रथ लाल और हरे रंग का, जिसमें 14 पहिए होते हैं और जिसके देवता शेष हैं, और इसको ताल ध्वज या लांगला ध्वज के नाम से पुकारते हैं। और सुभद्रा जी का रथ लाल और काले रंग का कमल के निशान से चिन्हित होता है और जिसकी देवी है वन दुर्गा।
और इनके रथ को दर्पदलन या देवदलन या पद्मध्वज के नाम से जानते हैं। और परंपरा अनुसार वहां का राजा या शासन का उच्च अधिकारी विनम्रता व सम्मान पूर्वक रथ के आगे के मार्ग को झाड़ू से साफ कर इसकी शुरुआत करते हैं। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर तीनों भाई बहन नगर शहर की हलचल से दूर, मंदिर के अनगिनत सेवकों से दूर, वृंदावन के कुंजों की तरह वहां आनंद उठाते हैं। और तब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर आती हैं, परंतु दर्शन न मिल पाने के कारण क्रोधित होकर रथ के एक भाग को तोड़ देती हैं और वापस मुख्य मंदिर आ जाती हैं। नौवें दिन भगवान की रथ यात्रा वापस आती है। तब लक्ष्मी जी अपनी सेविकाओं के संग भगवान से मिलने के लिए आती हैं, तो जगन्नाथ जी उन्हें मनाने के लिए और उन्हें शांत करने के लिए अपनी माला उन्हें पहना देते हैं। और इस प्रकार द्वादशी के दिन जब जगन्नाथ जी वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए द्वार बंद कर देती हैं, परंतु भगवान के अपनी हार स्वीकार करने पर द्वार पुनः खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार पूरी की रथ यात्रा पारंपरिक प्राचीन प्रथा का एक निर्वहन है, जो जन जन को भगवान का सामीप्य प्रदान करने हेतु है। यह रथ यात्रा भगवान के दिव्य प्रेम को मंदिर से निकालकर पूरे नगर में ही नहीं वरन पूरे विश्व में फैला देती है, और यह हमें एक अवसर प्रदान करती है जिससे हम अपने भक्तिमय प्रेम को विरह से मिलन की ओर ले चले। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कारण आज यह उत्सव विश्वव्यापी हो चुका है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव को उन्होंने विदेशों में सर्वप्रथम सैन फ्रांसिस्को से प्रारंभ कर वहां की धरती को पावन किया, और आज भारत के अतिरिक्त लंदन, फ्रांस, जर्मनी, बोस्टन और ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के कोने कोने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिससे अनेक लोग भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। इस्कॉन के सभी मंदिरों में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास से किया जाता है, और रथ यात्रा के पश्चात भक्तों को जगन्नाथ जी का प्रसाद भी वितरित करते हैं, जिसे श्रद्धा से प्राप्त करने पर उनका उद्धार अवश्यंभावी है। तो आप सब भी इस आयोजन का, इस महोत्सव का हिस्सा बनिए और अत्यंत कृपालु व पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आमंत्रित करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।